सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्पेशल 26 की तरफ मुंबई में ईडी ऑफिसर बनकर सोने के साथ लाखों की थी लूट। मुंबई के एलटी मार्ग पुलिस के हाथ में आने वाले झवेरी बाजार में करीब 25 लाख की लूट की गई। दो लोग खुद को ऑफिसर बताकर वीवीएल बुलियन के ऑफिस में गए, जहां खुद की नकली आईडी बताकर नाटक करके उन्हें पहले सोना बैग में भरने को कहा और लेकर वहां से 25 लाख के सोने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इनके पास से करीब 2.5 किलो सोना और 15 लाख कैश रिकवर किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। कल मुंबई में लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया में झवेरी बाजार एक फेमस एरिया है, वहाँ पे खाऊ गली, यहाँ पे एक बीबीएल बुलियन नाम की एक शॉप है जो बेसिकली गोल्ड का ट्रेड में बिजनेस करती है। और यहाँ पे कल एक वाकया हुआ, दोपहर में जब लंच टाइम था तब दो अज्ञात इसम इस बीबीएल बुलियन की शॉप में अचानक अंदर आ गए और उन्होंने खुद को ईडी की टीम है, ईडी की ऑफिसर है, इस तरह से खुद को बताया। उन लोगों ने इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जांच करने का नाटक किया और इन लोगों को मारहान की। इन लोगों से वहाँ पे जो भी गोल्ड रखा था, जो भी कैश रखी थी, वो बैग में भरने के लिए बोला गया। इनको एक हैंडकफ भी किया गया, हाथ को बेड़ी पहनाई गई और ऐसा दर्शाया गया कि ये ईडी का ऑफिशियल रेड चल रहा है। और इसके ऊपर जो ज्वेलर थे उनको लगा कि ये सच में ईडी की रेड है और इसकी वजह से उन्होंने कुछ किसी को कॉल नहीं किया। ये सब वाकया होने के बाद भी वो इसी इम्प्रेशन में थे, उन्होंने पुलिस को बोला भी नहीं। ये जब आजू बाजू के ज्वेलर्स और उनके रिलेटिव्स को ये पता चल गया तब उन्होंने इनको बोला कि ये दिस इज़ समथिंग फिशी और उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ वाकया हुआ है। पुलिस वहाँ पे एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई डिटेक्शन टीम तुरंत वहाँ पे पहुँचे और जब ये सब इंफॉर्मेशन लिया गया तब ये पता चला कि ये पूरा फ्रॉड है और इसमें हमने आईपीसी 394/120B 5062 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है। और कल रात भर हमारी 6 डिटेक्शन टीम्स इसमें काम कर रही थी और इसमें हमें एक अच्छा सक्सेस मिला है। इसमें जो मेन आरोपी है मोहम्मद फजल सिद्दीक गिलगिट वाला, ये डोंगरी का रहने वाला है, इसको हमने अरेस्ट किया है। इसके साथ समीर मोहम्मद रजी अहमद, ये मालवनी का रहने वाला है, इसको भी हमने अरेस्ट किया है। 2 एक्यूज को हमने आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया, इनका 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हमको मिला है। इसमें एक लेडी एक्यूज भी है जिसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका नाम विशाखा मुधोड़े है, शी इज़ फ्रॉम रत्नागिरी। उसके ऊपर एक चीटिंग का पहले केस दर्ज हुआ है, उसको भी हमने अरेस्ट किया और उसको हम कल कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब तक इस केस में टोटल 3 आरोपी हमारे अरेस्ट में हैं और 3 आरोपी का रोल इसमें हमें पता चला है।